खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। लोकसभा में सरकार के पास बहुमत का संकट नहीं है, फिर भी बीजेपी ने सभी सांसदों के मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। संकट है तो सिर्फ राज्यसभा को लेकर, जहां पिछले साल 2018 में भी ये बिल लटक गया था क्योंकि विपक्ष ने साथ नहीं दिया था। फिर कांग्रेस ने तीन तलाक बिल का विरोध करने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस का कहना है कि बिल के मौजूदा स्वरूप से सहमत नहीं हो सकते हैं। कांग्रेस के विरोध का लोकसभा में तो मतलब ही नहीं है, लेकिन राज्यसभा में जरूर फर्क पड़ता है। आरजेडी एनसीपी ने भी तीन तलाक बिल का विरोध किया है। नीतीश कुमार के जेडीयू का रुख भी साफ नहीं है, हालांकि पुराना स्टैंड विरोध का ही है। तो राज्यसभा में बहुमत ना होने की वजह से बिल बार बार अटक जाता है और आगे भी अटकने की उम्मीद है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि सरकार प्रतिबद्ध है तीन तलाक बिल को पास कराने के लिए। लोकसभा में आज फिर से पेश किया जाएगा, तो मोदी हार नहीं मानेंगे। मुस्लिम महिलाओं के लिए एक नए भारत का जो सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखाया है, जो तीन तलाक के खिलाफ सरकार खड़ी हो गई है, मुस्लिम महिलाओं में एक उम्मीद की किरण जरूर जगी है। मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से तीन तलाक के खिलाफ वो लगातार लड़ रहे हैं, सुनिए क्या कहना है उनका। तीन तलाक को लेकर के आज इतनी बड़ी बहस चल रही है, मैं भारत की महान परंपरा को देखते हुए मेरे भीतर एक आशा का संचार हो रहा है, मेरे मन में एक आशा जगती है कि इस देश में समाज के भीतर से ही ताकतवर लोग निकलते हैं जो कारण बाह्य परंपराओं को तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं, आधुनिक व्यवस्थाओं को विकसित करते हैं। मुसलमान समाज में से भी ऐसे प्रबुद्ध लोग पैदा होंगे, आगे आएंगे, और मुस्लिम बेटियों को उनके साथ जो गुजर रही है, जो बीत रही है, उसके खिलाफ वो खुद लड़ाई लड़ेंगे और कभी न कभी रास्ता निकालेंगे। और हिंदुस्तान के ही प्रबुद्ध मुसलमान को निकलेंगे जो दुनिया के मुसलमानों को रास्ता दिखाने की ताकत रखते हैं। इस धरती की यह ताकत है। तो अब आपको समझा देते हैं कि आखिर तीन तलाक बिल में ऐसा क्या है कि लगातार विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। एक बार में तीन तलाक कहना अपराध होगा। सरकार इसी बिल पर चर्चा चाहती है और इसको पास कराना चाहती है। अधिकतम 3 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है और इसी धारा का विरोध कर रहे हैं विपक्षी पार्टियां। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तारी कर सकती है। लगातार मुस्लिम जो संगठन है वो भी विरोध कर रहे हैं इसी बिल का। संज्ञेय अपराध में बिना वारंट के गिरफ्तारी होगी। तो तीन तलाक बिल में क्या क्या है वो आपको समझा रहे हैं। जो 5वां पॉइंट है, पीड़ित के FIR दर्ज कराने पर संज्ञेय अपराध ये होगा। आरोपी को पुलिस जमानत नहीं दे पाएगी, जो जमानत है वो कोर्ट से ही मिलेगी। तो तीन तलाक बिल में क्या है, मजिस्ट्रेट पत्नी का पक्ष जानने के बाद जमानत दे सकते हैं, तो कोर्ट से ही सीधी जमानत मिलेगी। पुलिस के पास पावर्स नहीं होंगी जमानत देने की। मजिस्ट्रेट को सुलह कराकर शादी बरकरार रखने का भी अधिकार होगा, यानी आपसी मशवरे और आपसी सुलह से रिश्ते को बचाया जा सकता है। फैसला होने तक बच्चा मां के संरक्षण में ही रहेगा। आरोपी को पत्नी बच्चे का गुजारा भत्ता देना होगा। और अभी तक क्या क्या हुआ है, 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया था। 28 दिसंबर को सरकार ट्रिपल तलाक के खिलाफ बिल लेकर आई। 2017 में यह बिल पेश किया गया। लोकसभा में तीन तलाक बिल पास भी हो गया 28 दिसंबर 2017 को। 3 जनवरी 2018 को तीन तलाक बिल राज्यसभा में पेश किया गया, लेकिन पास नहीं हो पाया। बहुमत का आंकड़ा सरकार के पास था नहीं और उसी के चलते हर बार ये बिल अटक जा रहा है। लेकिन सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई हुई है और आज फिर पेश करने जा रही है। कैबिनेट ने तीन तलाक बिल को मंजूरी दी 12 जून 2019 को। आज लोकसभा में तीसरी बार ये तीन तलाक बिल पेश होने जा रहा है। तो अध्यादेश भी तीन बार लाया गया, लोकसभा में तीन बार, राज्यसभा में एक बार। तीन तलाक बिल को पास कराने में लगी हुई है मोदी सरकार, लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार रोड़ा अटका रही हैं। उनकी अपनी शिकायतें हैं, मुस्लिम संगठन जो है वो भी विरोध में है सरकार के, और उनका कहना है कि उनसे मशवरा नहीं किया गया, ये उनके धर्म का मामला है।
लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने यह साफ कर दिया है कि तीन तलाक बिल सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सरकार की। और पक्ष में कौन सी पार्टियां हैं ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं। बीजेपी, शिवसेना, अकाली दल, एलजेपी, अपना दल, यानी कि आप कह सकते हैं कि एनडीए के जो भी जितने सहयोगी दल हैं वो सब पक्ष में हैं। विरोध में कांग्रेस बहुत जोर शोर से आवाज उठा रही है। एनसीपी, एसपी, टीएमसी, जेडीयू, एआईएमआईएम, डीएमके और पीडीपी, ये सभी पार्टियां विरोध में हैं। और क्योंकि राज्यसभा में सरकार के पास आंकड़ा मौजूद नहीं है और इसी के चलते ये बिल पास नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस तीन तलाक बिल पर सरकार के विरोध में है। कांग्रेस कह रही है कि मौजूदा स्वरूप में बिल पारित कराना संभव ही नहीं है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है प्रदीप भट्टाचार्य, कांग्रेस के सांसद। सर, तीन तलाक बिल लोकसभा में पेश हो रहा है, सरकार उम्मीद कर रही है पास हो जाएगा, वहां तो नंबर है, राज्यसभा में क्या होगा? नहीं, राज्यसभा में आ जाएगा तो हम लोग तो सिलेक्ट कमेटी में भेजने के लिए शोर उठाएंगे। ऐसा तरीका से बिल पास नहीं होना चाहिए। हम लोग का मांग स्पष्ट है, हम लोग सरकार पक्ष को एकदम जनान कर दिया गया, बोल दिया गया जो इम्पोर्टेंट बिल है वो बिल स्टैंडिंग कमेटी के भेजो, स्टैंडिंग कमेटी नहीं रहे तो सिलेक्ट कमेटी के भेजो, लेजिस्लेटिव स्क्रूटिनी होना चाहिए चाहिए चाहिए। तो मतलब आप लोग जो है इस बार भी पास होने नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो जो है सरकार के पास में नंबर है नहीं। नहीं होने के लिए, पास नहीं होने के लिए जो कोशिश उठाना जरूरी है हम लोग उठाए। क्या आपत्ति क्या है, क्योंकि वो सरकार कुछ है नहीं, लेकिन स्कैनिंग होना चाहिए, लेजिस्लेटिव स्कैनिंग। ले बिल का खिलाफ के लिए बात नहीं, बिल पास होगा कि नहीं होगा अलग बात है, बिल का जो इंटरनल अरेंजमेंट है उसका विरोध मैं नहीं करता है, लेकिन मैं विरोध करता है जो तरीका से बिल आ रहा है, जे तरीका से बिल पास कराने के लिए ये सरकार जो कानून है कानून को बुलडज करता है उसका अगेंस्ट हम लोग का। साफ तौर पर प्रदीप भट्टाचार्य कांग्रेस सांसद, उनका ये कहना है कि जिस तरीके से बिल लाया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं, स्टैंडिंग कमेटी में भेजे जाने की फिर से मांग करेंगे। और ये साफ तौर पर दिखा रहा है कि विपक्ष अभी भी अपनी पुरानी मांग पर अड़ा हुआ है कि बिल को स्टैंडिंग कमेटी में भेजा जाए। और ऐसे में सरकार के लिए लोकसभा से तो बिल पास करवाना आसान है क्योंकि वहां पर उनके पास नंबर है, लेकिन राज्यसभा में चुनौतियां बड़ी हैं। कैमरा पर्सन मान के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो हम आपको बता दें कि बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि प्रधानमंत्री मोदी तीन तलाक बिल के लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं और कैसे मुस्लिम महिलाओं की जिंदगी बदलने वाली है इस बिल के बाद। तीन तलाक जो है बिल को लेकर के लोकसभा में तो जो आपके पास नंबर है, राज्यसभा में अभी भी विपक्षी पार्टियां अड़ी हुई हैं। मुझे लगता है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और वो बार बार प्रयास कर रहे हैं बाकी पार्टियों को राजनीति से हटकर इस प्रकार के जो बिल आते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए उसे समर्थन करना चाहिए और राज्यसभा में इसे जरूर समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जिन महिलाओं को तीन तलाक के घटनाओं से गुजरना पड़ता है उनकी पीड़ा को शायद वही समझ पाती है। लोकसभा से दो बार पहले पास हो गया था लेकिन राज्यसभा में आके अटक गया था, इस बार उम्मीद है कि कहीं से पास हो पाएगा राज्यसभा से। प्रधानमंत्री जी जो कोशिश कर रहे हैं हम उस कोशिश को सलाम करते हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। तो हम आपको बता दें कि बस अब से कुछ ही देर बाद ये तीन तलाक का बिल सरकार पेश करेगी लोकसभा के पटल पर। लोकसभा से पहले भी बिल ये पास हो चुका है लेकिन हर बार राज्यसभा से अटक जाता है। कांग्रेस जो है वो मौजूदा स्वरूप में बिल को पास नहीं होने देना चाहती है। उनका साफ साफ कहना है कि इसमें जो कुछ प्रोविजन्स किए गए हैं उससे नुकसान होगा, उन प्रोविजन्स पर चर्चा चाहती है कांग्रेस, लेकिन सरकार भी अड़ी हुई है। सरकार का कहना है कि तीन तलाक बिल जो है वो मुस्लिम महिलाओं को सशक्त करेगा। तो तीन तलाक बिल का कांग्रेस विरोध करेगी, तमाम विपक्षी पार्टियां इसका विरोध करेंगी।